आंखों में मेहंदी लगा सा। पति की उम्र की क्या है, पति की उम्र तो हर साल बढ़ जाती है। ये है 30 के, लगते 40 के, बातें करते 50 के, बीमारियां 60 वाली है, कमाई 70 की है, खर्चे 80 के, रिश्ते 90 के, अंदाज 100-100, सॉरी भूखी होना, इसलिए सारा सच निकल जा रहा है। अब जब तक चांद नहीं निकलता तब तक मुंह से बकवास ही निकलेगा। तो आप आ गए बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे ना तो लोग लागे समझ लेंगे, ऐसे ना सब को लोग झूल से ज्यादा गुजर मत बनो, वरना लोग राखी समझ लेंगे। हाँ हाँ राखी समझ लेंगे। ये पत्नियां ना हमें 365 दिन चैन से जीने भी नहीं देती और एक दिन व्रत रख लेती हैं तो चैन से बनने भी नहीं देती हैं। आप इनको बताइए, इन जैसों के लिए कोई रात की बच्चे डाल भी ना रखे, हम बीवियों के लिए व्रत रखती हैं। ओ जी आप भी व्रत रख लो ना। चली जाती हूँ मैं कपार के पड़ोसियों को जलाने, कभी उनको भी अपने घर बुलाया करो ना। ओ जी आप भी व्रत रख लो ना। मैंने कभी तुझसे कहा कि मैं दाढ़ी रखता हूँ, तू भी दाढ़ी रख ले। ओ जी आज के दिन तो तारीफ कर दो ना मेरी। चली जाती हूँ ना। अब बोलो। चली जाती हूँ मेकअप मार के पड़ोसियों को जलाने, कभी उनको भी अपने घर बुलाया करो ना। अच्छा मैं अभी आया। ओ जी कहाँ जा रहे हैं सुनिए। डोंट वरी, आज रात पहले व्रत तोड़ेंगे फिर इनको तोड़ेंगे। वॉलेट, अब जब वॉलेट हाथ लगी गया है तो सब करना तो बनता है, आखिर बीवी जो मुन की। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए। जीती रहो है दिन मांगे आशीर्वाद। बहू बता मेरी मेहंदी कैसी लगी? माँ जी आपकी मेहंदी तो बड़ी ही बकवास है। अरे आपने साड़ी कैसे पहनी, आपको मैचिंग सेंस कब आएगा? पूरी ही साड़ी तो मेरे बिट्टू के पापा ने लाके दी है। ये देखिए आपके बिट्टू ने मेरे साथ क्या किया। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये तो बिट्टू की बचपन की फोटो है। ठीक, इतना गंदा बच्चा आपने पैदा किया, आपको नर्स ने डांटा रही। सॉरी आज करवा चौथ है ना, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। आज मैंने व्रत रखा है तो आज उनकी बुराई नहीं। एक बार भी काना व्रत रखा तो मैं तेरे कान के नीचे एक रख दूंगी। अरे व्रत तो हमारे जमाने में रखते थे। क्यों आपके जमाने में व्रत तकिए के नीचे रखते थे क्या? तकिए के नीचे तो शर्मा जी की फोटो रखते थे। ओ ससुर जी आपको डांटते नहीं थे? ससुर जी तो सलोनी की फोटो रखते थे। वाह, एक लोग शर्मा जी की फोटो रखते थे, एक लोग सलोनी जी की फोटो रखते थे। अरे थोड़ा अपने बेटे पे तो देख लिया होता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। बहू चांद का टुकड़ा दिया है मैंने तुझे। जी करता उस चांद के टुकड़े के टुकड़े टुकड़े कर दूं। बहू क्या कहा? कुछ नहीं माँ जी, देखिए ना चांद निकल आया, अब तक वो नहीं आए। ओ तो आप आ गए, बताइए अब तक कहाँ थे? तेरे बाप ने जो पैसे दिए थे ना उसी को गिन रहा था। मेरे बाप को क्या कहा तूने? माँ जी ये तो टकले हैं। मैंने क्या कहा था? चांद का टुकड़ा है मेरा बेटा। हाय मेरी तो तरफ फूट गई। अच्छा अब मुझे ही ना अपना पति और चांद मानकर अपना व्रत